और हमारा एकमात्र संकल्प है कि घर घर अलख जगाएंगे, अपना बूथ जिताएंगे। भाजपा का संकल्प, बिहार का संकल्प, मोदी ही विकल्प। भाजपा और बिहार का एक ही संकल्प, मोदी है विकल्प, ये नारों के साथ आज जिला कार्य समिति की बैठक जो है बीजेपी के विधायक और पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के आवास पर ये बैठक बुलाई गई और बीजेपी ने 2024 और 25 की बिगुल फूक चुकी है और श्री गणेश इसका हो गया है। आपको हम तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर जो है तैयारी कर ली है और ऐसे में लगातार बैठक की जा रही है पार्टी को कैसे बिहार में संगठन को कैसे मजबूत करें इसको लेकर। खास तौर पर आपको बता दें कि 2024 का चुनाव होने वाला है लोकसभा का, ऐसे में एक ही नारा दिया गया है कि भाजपा का और बिहार का एक ही संकल्प है, मोदी ही विकल्प है। यानी कहीं ना कहीं बिहार के लिए मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही विकल्प हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार पार्टी को और संगठन को मजबूत करने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो है जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक नंदकिशोर यादव और पटना की मेयर सीता साहू, तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं इस मौके पर। जो बीजेपी के नेता हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने इस मामले पर पूरी विस्तार से जानकारी दी है कि आखिर ये बैठक क्यों किया जा रहा है और कैसे आने वाले चुनाव की रणनीति जो है वो बनाई गई है और कैसे सरकार, यानी जो बिहार में सरकार चल रही है उसी कैसे घेरना है, ये तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई हैं और उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां दे रहे हैं, पहले वो आप जरा गौर से सुनिए। आगामी 10, 11, 12 को और उसके बाद फिर 19, 20, 21 को, मतलब इस महीने में 6 दिन हमारे कार्यकर्ता बूथों पर रहेंगे। बूथों में एक एक मतदाता के पास जाएंगे, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे और हमारा एकमात्र संकल्प है कि घर घर अलख जगाएंगे, अपना बूथ जिताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इस मंत्र के साथ जा रही है और भाजपा का संकल्प, बिहार का संकल्प, मोदी ही विकल्प, इस बात को लेकर के हम लोग अपनी कार्य समिति में संकल्प लेने जा रहे हैं। तो आपने सुना है साफ तौर से कि उन्होंने कहा कि बिहार और भाजपा का एक ही संकल्प है और एक ही विकल्प है, जो मोदी ही विकल्प है। यानी किसी भी मुद्दे के लिए नरेंद्र मोदी ही विकल्प है, यानी चाहे बिहार में रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें या तमाम उन चीज़ों को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार को बीजेपी लगातार इन मुद्दों को, बिहार में बढ़ते अपराध या क्राइम जैसे मुद्दे को लेकर घेरती रहती है और उस मुद्दे को लेकर भी ये तमाम चीज़ें चर्चाएं हो रही हैं इस बैठक में कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे बिहार में अपनी सत्ता कायम करनी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार हो केंद्र में, ये तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक की गई है। अपने सहयोगी रवि के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे। हाईटेक की दुनिया में झारखंड में पहली बार आपके शहर रांची में मॉड्यूलर फर्नीचर की डिमांड बढ़ी है, जिसे देखते हुए घर के इंटीरियर से लेकर आउटडोर बरामदे, मॉड्यूलर किचन की बेहतरीन खूबसूरती के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉड्यूलर फर्नीचर। जी हाँ, झारखंड के कटरू ब्रिज के समीप फ्रेंच मॉड्यूलर फर्नीचर। फ्रेंच मॉड्यूलर फर्नीचर झारखंड प्रदेश का पहला लेटेस्ट मॉडल का प्रतिष्ठान है। इस प्रतिष्ठान में अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सोफा, डाइनिंग टेबल, मॉड्यूलर किचन के साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट को कम समय में ही अच्छी फिनिशिंग और कम बजट में तैयार किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, चले आइए झारखंड के कटरू ब्रिज के समीप मॉड्यूलर फर्नीचर में, जहाँ आपके घर का हर सपना होगा साकार। फोन करें 7992343409 पर।